हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चांदी के जो भी हमारे पायल और बिछुए होते हैं उनको क्लीन करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने किसी भी चांदी के आइटम को, मतलब जो भी गहने को, बिना हाथ लगाए बिल्कुल न्यू ब्रांड की तरह चमका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है मेरी चांदी की पायल जो कि बहुत ही ज़्यादा काली हो गई हैं। एक्चुअली मैं पायल पहनती नहीं हूँ तो ये रखे रखे बहुत ही ज़्यादा काली हो गई हैं और देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं रेमेडी बताऊंगी उसकी हेल्प से ये बिल्कुल न्यू ब्रांड की तरह चमक जाएंगी। तो पहले आप मेरी ये वाली पायलों को ठीक से देख लीजिए। इन्हें क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमको लेना है आलू। आलू को हमें घिया कस की हेल्प से कस लेना है। आलू में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट होता है। ये जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है वहाँ से जो भी डल धूल मिट्टी होती है उसको रिमूव कर देता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने आलू को कस लिया है। अब हम चलते हैं अपनी किचन में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक कटोरी में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा पानी है वो गर्म हो गया है। अब इसमें हमें जो अपना आलू है इसको ऐड कर देना है और इसके बाद हमें इसमें अपनी पायलों को डाल देना है और इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है एक चम्मच सरफ। जो भी कोई सरफ़ हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो हमको डाल देनी है और लास्ट में हमको इसमें ऐड करना है नींबू का रस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है और फिर इन सब को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकती हो कि इसमें कुछ छाक से निकल रहे हैं और आप देख सकती हो कि जो हमारा पानी का कलर है वो चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जो भी हमारी पायरों में डस्ट धूल मट्टी है वो हमारी पानी में मिलती जा रही है। हमें इस तरीके से चलाकर इसे ढक कर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे जो हमारा मैल है धूल मट्टी है वो सारी अच्छी तरीके से फूल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी पायलों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकती हो कि जो हमारा पानी का रंग था कितना काला हो गया है। जो पायलों पे जो भी डस्ट धूल मट्टी थी वो पानी के साथ एब्जॉर्ब हो गई है। अब हम किसी चिमटे की हेल्प से अपनी उन पायलों को निकाल लेते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। इन्हें हम किसी भी क्लीन पानी से क्लीन कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो मेरी पायल हैं वो बिल्कुल न्यू की तरह निकल आई हैं। मेरी पायलों से जो भी धूल डस्ट मट्टी थी वो रिमूव हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने न्यू पायल ही खरीदी हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये वाली ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स के द्वारा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।